अस्सलाम वालेकुम, कंट्री न्यूज़ डिजिटल की जानिब से मैं हूँ सरदार अशर जी। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऐवान सदर एक स्कूल में जो कि इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर गर्ल्स G5 में मौजूद है। यहाँ पर एक इवेंट का इनाकाद किया गया जिसमें टीचर्स को अप्रिसिएशन अवार्ड दिए गए। आइए चलते हैं, टीचर्स से जानते हैं कि उनको जब ये अवार्ड दिए गए तो उनको कैसा महसूस हुआ। जी वालेकुम, आई फील ऑनर्ड कि मुझे आज अप्रिसिएशन अवार्ड दिया गया और आज मोहिद्दीन वानी साहब आए थे सेक्रेटरी एजुकेशन, उन्होंने हमें अवार्ड दिए और साथ उनके मैम रिफत, मैम फरीदा यास्मीन, मैम गजाला और बहुत से ऑनरेबल गेस्ट यहाँ मौजूद थे और बहुत मज़ा आया और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें एक्नॉलेज किया गया है। अच्छा, तो आपकी पावर बूस्ट होगी, आपका कहने का मतलब है। एग्जैक्टली, हमें बहुत हम बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं अपने नेक्स्ट सेशन के लिए और हम इंशाल्लाह आगे और मेहनत और जो है वो अपने इंटरेस्ट से बच्चों को पढ़ाएंगे। तो आप क्या पैगाम देना चाहती हैं हुकूमत को कि वो ऐसे प्रोग्राम्स करती रहे जिससे टीचर्स का हौसला बढ़े। जी बिल्कुल, एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है, किसी भी इवन छोटा बच्चा हो या हम टीचर्स हों, हमें हमेशा अप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत रहती है ताकि हमारी एनर्जी बूस्ट हो। देखा, जब आपको अवार्ड दिया गया तब आपके टाइम क्या फील कर रही थी? मैं तो सोच रही थी कि भाई मेरा नाम इसमें होगा या नहीं, लेकिन शुक्र है मेरा नाम इसमें था और मुझे अपने पे है भी कि भाई हम इतना स्कूल के लिए काम करते हैं और सिंसियरली काम करते हैं और स्कूल जो है हमारा बहुत अच्छा है और ऐसे इवेंट जो है वो ज़रूर होने चाहिए जिसमें कि टीचर्स की हौसला अफजाई हो, क्योंकि जब तक टीचर की हौसला अफजाई नहीं होगी, उसे अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, तो ज़ाहिर है वो अच्छे तरीके से इदारे के लिए काम नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि वानी साहब ने और ख़ासतौर पर प्रिंसिपल साहिबा ने यह अरेंजमेंट किया और बहुत अच्छा फंक्शन रहा हमारा और ये इवेंट्स इस तरह होते रहे, ये हम सब की बेहतरी के लिए, बच्चों की बेहतरी के लिए है और टीचर्स की बेहतरी के लिए। थैंक यू। जब आपको अवार्ड दिया गया आप उस टाइम क्या फीलिंग्स थी आपकी? आई वॉज फीलिंग वेरी गुड, आई वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग, बट अल्हम्दुलिल्लाह by the grace of Almighty, I guess that any worker, if he puts input, he or she put inputs, appreciation is always there to power up or energy, give energy to the worker. So always feel very good. Thank you so much. बताइएगा इस इवेंट के बारे में, ये आपने कैसे इसको स्टार्ट लिया और किस तरह आपने प्लान किया इसको? ये असल में ये आज हमने जो इवेंट किया ये एम्प्लॉयज़ एप्रिसिएशन डे हमने सेलिब्रेट किया है और इसके अंदर हमने जितने भी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है सबको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स दिए, ऑनरेरियम दिया, क्योंकि टैलेंट तो होता है लेकिन उसको साथ साथ एप्रिसिएशन भी मिलनी चाहिए और टीम वर्क जो है वही मैटर करता है, सब मिलकर अपना अपना कंट्रीब्यूट करें तभी एक इदारा जो है वो तरक्की करता है। अच्छा, मुझे बताइएगा इससे आपने ये आपकी बहुत एक अच्छी एक्टिविटी थी, इससे टीचर्स का बड़ा हौसला बढ़ता है, तो आप क्या हुकूमत को पैगाम देना चाहेंगी कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए टीचर्स के लिए? बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट, टीचर्स को मोटिवेशन मिलनी चाहिए, टीचर्स को, हेड टीचर्स को, सपोर्टिंग स्टाफ को, तो ताकि और ज़्यादा जब आप अप्रिशिएट करते हो तो और ज़्यादा बेहतर काम किया जाता है।